काफी अच्छी मार्केट है यहाँ पे, आप आए तो शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। धीरे धीरे पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ का लुत्फ उठा रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका स्टेबल जर्नी के नए एपिसोड में। मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश आइडिया। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारा गैंगटॉक में पहला दिन है और आज हम आपको लेके चल रहे हैं गैंगटॉक का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल दिखाने, जिसका नाम है MG रोड। इसको माल रोड के नाम से भी जाना जाता है। माल रोड यानी MG रोड जो पर्यटक स्थल है वो मेरे मुस्काटेल ब्लू होटल से करीब 10 मिनट का रास्ता है। तो हम यहाँ से शेयरिंग टैक्सी लेंगे और ये नज़ारा है, आप थोड़ा देख लीजिए गैंगटॉक के सिक्किम का। उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं। हाँ, कैमरा में दिख रहा है, देखिए। सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और कमेंट कर दो। अपने होटल मस्कट ब्लू से 30 रुपये में टैक्सी करके हम आ गए हैं MG रोड। मेरे इधर की ओर आप देख सकते हैं, ये है गैंगटॉक का MG रोड एरिया। यहाँ से MG रोड शुरू होता है, जहाँ पे बहुत सारी पर्यटक मार्केट है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले MG रोड के अंदर जैसे आप प्रवेश करेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छा ये सिटी व्यू आता है, आप ये सिटी व्यू देख लीजिए। उसके बाद हम आपको इधर की ओर लेके चलते हैं MG रोड दिखाने। बहुत सारे कैंप लगे हुए हैं यहाँ पे, जो सिक्किम के ट्रेडिशनल कपड़े वगैरह हैं, हैंडलूम वगैरह, हैंडक्राफ्ट और हैंडलूम वगैरह हैं उनकी दुकानें हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी आपको दुकानें, रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ से आप खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ, नाश्ता, बैंक्स। इस साइड आप देखेंगे यहाँ पे पूरी बैठने के लिए पूरी चेयर्स बनी हुई, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं और यहाँ का लुत्फ ले सकते हैं। अभी कोविड है और बाहर की कंट्रियां बंद हैं, धीरे धीरे अभी ये ओपन हो रहा है। धीरे धीरे पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ का लुत्फ उठा रहे हैं। ज़्यादा पर्यटक अभी यहाँ पे नहीं है, थोड़ा रश की कमी है, लेकिन जो भी है लोकल पर्यटक हैं और कुछ कुछ अदर स्टेट के भी पर्यटक हैं। इंटरनेशनल पर्यटक तो अभी मुझे नहीं दिखे हैं यहाँ पे, लेकिन जैसे कोई दिखता है मैं आपको बताता हूँ। पूरा काफ़ी अच्छी मार्केट है। अब रात में इसका क्या सीन है, क्योंकि मैंने पूछा था होटल वाले से, अपने होटल में जहाँ मैं रुका हूँ उनके मैनेजर से मैंने पूछा था कि रात का क्या सीन है बताइए, तो बोले रात को 8 या 9 बजे तक पूरा बंद हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं एक बार रात को आऊँगा तो आपको मैं रात का नज़ारा दिखाऊँगा। तो फिलहाल ये आप बैक कैमरे से व्यू देख लीजिए।
काफ़ी अच्छी मार्केट है यहाँ पे, आप आएँ तो शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। जो यहाँ की लोकल हैंडमेड चीज़ें हैं वो आप ले सकते हैं। एक भाई साहब ने मुझे बताया था कि जैसे हम आगे यहाँ से चलते जाएंगे ना, आगे रोपवे आ जाएगा, हम आपको रोपवे भी घुमा देंगे। गैंगटॉक का एमजी रोड की पर्यटक मार्केट करीब 500-600 मीटर की है, बाकी फिर उसके बाद नॉर्मल ही आपको गलियां आ जाएंगी, जैसी मार्केट होती है आपकी गलियों की वैसी मार्केट आ जाएगी। तो जो था वो हम दिखा दिया, अब उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं रोपवे की तरफ, कि जैसे ही आप आएंगे तो ये दोनों काम आपका हो जाएगा। तो दो चीज़ आप निपट लेंगे, पहला आप एमजी रोड घूम लेंगे, उसके बाद आप रोपवे घूम लीजिए। पैदल पैदल डिस्टेंस है, जिस रोड से आप सीधे एमजी रोड से आएंगे सीधे चलते जाइए, पूछ लीजिए रोपवे के लिए। समय 1:30 बज चुके हैं और लंच का भी टाइम हो गया है मेरे, तो लंच के लिए देखता हूँ अगर कोई वेजिटेरियन रेस्टोरेंट अगर मिलता है तो मैं आपको बताऊँगा। वेजिटेरियन क्या मतलब, वेजिटेरियन में सस्ता जो भी मिल जाए, सस्ता सुंदर टिकाऊ, जैसे ये भी दिखाया, वेज थाली, फिश थाली, चिकन थाली, एग थाली खा लूँ क्या। हम एमजी रोड घूम के रोपवे की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें दिखा है छोटा सा दिया बंगाली रेस्टोरेंट, ये इनका मेनू कार्ड है। मैंने मंगाया एक वेज थाली, खाते हैं फिर लेके चलते हैं आपको रोपवे की तरफ। हमने एक वेज थाली खाई और एक एक्स्ट्रा रोटी ली, क्योंकि थाली में रोटी नहीं मिलती है। 120 रुपये की भाई साहब ने थाली का लगाया और 10 रुपये रोटी का लगाया। तो यहाँ पे दो रास्ते हैं, इधर की ओर एक ढलान वाला रास्ता है और इधर की ओर ऊपर चढ़ने वाला रास्ता है। तो आपको ढलान के रास्ते नहीं जाना है, तो आप नीचे चले जाएंगे, भटक जाएंगे, आपको ऊपर जाना है, ऊपर रास्ते लैंडमार्क है होटल गोल्डन नेस्ट के ऊपर से जाना है। थोड़ी चढ़ाई है भाइयों, थक गया हूँ, लेकिन कोई नहीं, खाना खाया है डाइजेस्ट हो जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं है, आराम से आप आ सकते हैं, घूम सकते हैं। समय अभी 2:34 हो गया है। एमजी रोड से करीब 400 मीटर पैदल चलते चलते हम आ गए हैं ये रोपवे, और ये देख लीजिए रोपवे का बिल्डिंग है, मतलब उड़न खटोला है, झूलन खटोला, जो भी अपने देहाती भाषा में बोलते हैं। यहाँ से टिकट लेके हम जाएंगे ऊपर, वहाँ से हम रोपवे केबल कार राइड करेंगे, बने रहिए। आपको लिफ्ट के अंदर आना है और 4th फ्लोर पे जाना है। इधर की ओर ये लिफ्ट है, यहाँ पे टिकट है, अगर आप टिकट लेना चाहते हैं तो टिकट आपको 117 भारतीय मुद्रा 117 पर पर्सन का आपको ये किराया पड़ेगा, और यहाँ पे चार्जेस वगैरह लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए।
फाइनली हम रास्ते में एंटर कर चुके हैं और यहाँ से हम अभी गैंगटॉक का नज़ारा देखेंगे। तभी हम इस रोपवे से उस साइड से चढ़े थे और इस साइड आ गए हैं। इस साइड पे भी थोड़ा वेट कर रहे हैं ये लोग, अभी थोड़ी देर बाद और पैसेंजर आ जाएंगे, इधर से भी रोपवे चलेगा। थोड़ा बाहर निकल के नज़ारा आपको दिखाते हैं। दोस्तों अगर आप एमजी रोड की तरफ से आप इस रोपवे पे आएंगे, टिकट वहाँ नहीं मिलेगा, पैसे वहाँ जमा कर देंगे, अगर चेंज नहीं हुआ तब पर भी रख लेंगे, टिकट आपको इस पॉइंट पे ही आके मिलेगी। तो देखिए मैंने 220 रुपये दिया था लेकिन 170 रुपये की टिकट है। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने पहुँचा मतलब दूसरी बार, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे टिकट दे दिया और मेरे बाकी के पैसे जो थे वो रिटर्न कर दिए। अब चलिए यहाँ से हम अभी जाएंगे उस साइड जहाँ से हम आए थे, वहाँ से आए थे और अब हम फिर से वहीं जाएँगे। तो भैया देख लिया, ये था गैंगटॉक के एमजी रोड के पास रोपवे केबल कार का नज़ारा जो कि हमने आपको घुमाया, जो कहिए दिखाया। इससे पूरा गैंगटॉक का क्या व्यू आता है वो भी आपने देख लिया पूरा लाइव। और अब हम यहाँ से आपको लेके चल रहे हैं बादलों के बीच, पहाड़ी जिगजैग वाले रास्ते से हम चढ़ रहे हैं ऊपर पहाड़ों के बीच हनुमान टॉक के लिए। ये देखिए आप नज़ारा, लीजिए हनुमान टॉक एरिया है। यहाँ पे कुछ बोर्ड लगा हुआ है कि जो भी पर्यटक या भक्तगण यहाँ आते हैं उनके लिए बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड आप देख लीजिए। जूता स्टैंड है, यहाँ पे अपने शूज वगैरह खोल सकते हैं और शूज वगैरह खोल के हम इधर से प्रवेश करेंगे हनुमान टॉक टेम्पल का दर्शन करने। ये देखिए हम वहाँ से चले थे और वहाँ से ऐसे ही हम सीधे ऊपर की ओर जा रहे हैं हनुमान टॉक मंदिर की ओर। थोड़ी बहुत आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ सकती है क्योंकि व्यू भी यहाँ से काफ़ी अच्छा आता है। अंदर आते ही यहाँ पे दिमाग को एक शांति का अनुभव होने लगा है और ये सामने का नजर यहाँ से इधर की ओर काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। तो आप इस व्यू को देखिए, मतलब ऐसा लग रहा है आप बादलों के बीच में हैं। तो देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है, मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। मेरे इधर की ओर आप देख सकते हैं पवन पुत्र हनुमान जी की प्रतिमा है। तो चलिए मैं इस पवन पुत्र हनुमान जी की प्रतिमा का आपको दर्शन करा देता हूँ।
दर्शन करने के पश्चात यहाँ पे इधर की ओर आप, यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है, यहाँ से आप अपनी तस्वीरें खिंचवा सकते हैं। अगर आप एलोन भी आ रहे हैं तब पर भी आप अपनी तस्वीरें खिंचवा सकते हैं, क्योंकि आप किसी को भी बोल देंगे तो आपकी एक तस्वीर खींच देगा, क्योंकि मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये व्यू बहुत अच्छा व्यू है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे पर्यटक जो हैं कि अपनी तस्वीरें खींच रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ आप सुबह जितना सुबह निकलेंगे आप घूमने के लिए, आप एक दिन में सारे पर्यटक स्थल कवर कर लेंगे। लेट करेंगे तो शायद आपको अंधेरा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने तो थोड़ा लेट किया था, लेकिन फिर भी मैं तो रुक जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान टॉक हमने घूम लिया, अब हम आपको लेके चल रहे हैं यहाँ से गणेश टॉक। यहाँ लगता है जितने ही मंदिर है उनको टॉक के ही नाम से जाना जाता है, जैसे कि हनुमान टॉक, और इधर की ओर है गणेश टॉक। गणेश टॉक में एंट्री करने से पहले अगर आप टैक्सी लेके आ रहे हैं तो टैक्सी यहाँ पार्क करेंगे और टैक्सी वाला आपसे अलग चार्ज लेगा 30 रुपये, जो कि आपको पार्किंग चार्ज देना होगा। और पार्क करके यहाँ पे मेरे सामने इधर की ओर आप देख सकते हैं यह है गणेश टॉक मंदिर। तो चलिए हम गणेश टॉक मंदिर में लेके चलते हैं आपको। आप गणेश टॉक में थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे तो इधर की ओर सूर्य आ जाएगा, यहाँ पे अपना सू आप खोल सकते हैं जूते रखने के बाद, और ऊपर की ओर चलते हैं हम। सीढ़ियाँ हैं इस प्रकार, ऊपर की ओर चढ़िए, ऊपर से काफ़ी अच्छा व्यू आता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मैं श्री गणपति बप्पा जी का जो प्रतिमा है उसका हमने आपको भी दर्शन कराया। जैसे ही आप ये दर्शन करने बाद परिक्रमा करेंगे तो यहाँ पे आपको भोले बाबा जी का शिवलिंग आ जाएगा, यहाँ पे भी आप अपना जल चढ़ा दें। तो हमने भी यहाँ पे भोले बाबा को जल चढ़ा दिया है, और यहाँ से अभी हम अब चलते हैं आगे की ओर। अभी तो पूरा फोग है तो इसलिए माउंटेन व्यू वगैरह नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ से एकदम ऐसा लग रहा है बादल देखिए नीचे है हमारे, उधर की ओर आप अगर आप देख सकेंगे उधर की ओर तो बादल ऐसा लग रहा है कि नीचे हम इतने ऊंचाई पे हैं। तो हमने भी यहाँ पे भोले बाबा को जल चढ़ा दिया है, और यहाँ से अभी हम अब चलते हैं आगे की ओर, नीचे चलते हैं। नीचे जाने के बाद आपको जो एक और पर्यटक स्थल है वो भी हम आपको दिखाएंगे। सो अब हम आ गए हैं नीचे अपने टैक्सी स्टैंड में, जहां हमारे ड्राइवर साहब इंतज़ार कर रहे हैं, और इसके बाद देखते हैं कहां लेके चलते हैं आगे वो हमें। चलें चले। ये हो गया बहुत लंबा, ये था हमारा आज का गैंगटॉक का पहले दिन का वीडियो और कुछ जानकारियाँ।
वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछता है, कुछ सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो, मतलब अगली वीडियो में एक और नई जगह के साथ। तब तक लिए बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद।